29 सितंबर से शुरू होने वाले नवरात्रों से पहले कटरा में पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी व हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। नवरात्रों के चलते कटरा में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हर एक चौराहे पर नाका लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसी के चलते नवरात्रों से पहले आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह, डीआईजी उधमपुर सुजीत कुमार सिंह व एसएसपी रश्मि वजीर ने सुरक्षा की समीक्षा कर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। लेकिन नवरात्रि की एक मुकम्मल डिप्लॉयमेंट पहले से है। मैंने पहले भी कहा कि इसको और एडिशनल स्ट्रेंथ देने के लिए दो कंपनी और डिप्लॉय की गई। इसके अलावा सिक्योरिटी विंग के भी कुछ तकरीबन 20 जवान और ऑफिसर्स यहाँ पे तैनात रहेंगे नवरात्रि के लिए, ताकि हर आदमी फ्रेश हो जाए, हर बैच की चेकिंग हो जाए और कोई भी आदमी किसी तरह के हथियार को लेकर अंदर घुस ना सके। सर, गश्त चल रही है तभी पकड़े जा रहे हैं, ये भी चल रही थी और मजबूत की गई है और जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं, QRTs हैं यहाँ पे। इन सब की मदद से हम लोगों पे नज़र रखते हैं और कोई भी ऐसा अनासर तत्व अगर अंदर घुसने की कोशिश करें हम उसको, इससे कोई रिलेशन।